हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस मार्केटिंग पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TTML शेयर के अबाउट। जी हाँ दोस्तों, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के अबाउट। यहाँ पे फिर से जो है कि हमें गुड न्यूज़ आता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पे बात किया जाए, जो हमें इतना ज़्यादा हाई जंप देखने को मिला था जनवरी के महीने में, यहाँ पे जो हमें हाई जंप देखने को मिला था, बिल्कुल उसी तरीके से फिर से जो है कि हमें एक और पैटर्न हमें क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, जो धीरे धीरे इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे जो हमें पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नज़र आया था, बिल्कुल यही वाला पैटर्न फिर से हमें यहाँ पे फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग यहाँ पे क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहा है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट इसके अबाउट निकल के आ रहा है, सारे पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, जो भी हमारे चैनल में नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डे एंड सेशन की बात किया जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज कितना था, 158, और जो कि आज की डेट पे 4.97, यानी कि 5% अपर सर्किट, हमें लगभग 5% अपर सर्किट के अराउंड जो मार्केट क्लोज करता हुआ जो प्राइस निकल के आया है 166.70 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट देखा जाए, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट आपको यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं कम्युनिटी सेंटीमेंट इसका दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसका जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, टाटा टेली सर्विस बाइंग, ठीक है, रिकमेंड कर रहा है बाइंग के लिए। कितना 100% लोग यहाँ पे बाइंग करने के लिए ही सलाह दे रहा है। शेयर होल्डिंग यहाँ पे पैटर्न की यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट में देखें तो क्या है, सेल और होल्डिंग बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको पहले कभी भी इस शेयर में देखने को नहीं मिला होगा। जो कि 52 एक हाई डे बाई डे जब यहाँ पे हमें जेंट करता हुआ नज़र आ रहा था, तब यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा था यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटिमेंट है उसमें। लेकिन अभी के टाइम पर अगर हम बात करें, 52 एक हाई तो बहुत ही ऊपर है, लेकिन अभी के टाइम पर जो प्राइस चल रहा है काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट है 52 एक हाई से। फिर भी जो कि इतना ज़्यादा हमें कम्युनिटी सेंटीमेंट में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए, तो आप सभी को पता ही होगा काफ़ी शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग जो है कि आपको यहाँ पे 74.36% का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पब्लिकली होल्डिंग की बात किया जाए, कितना 24.83% का पब्लिकली होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिविटी ही हमें देखने को मिल रहा है। और इसके डेप्थ को अगर हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा डेप्थ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि शेयर यहाँ पे कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा अपर हमें देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे कंपनी जो है कि डे बाय डे हमें ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में ये जो डेप्थ है आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कितना है अभी के टाइम पे डेप्थ की बात किया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,700 करोड़ का हमें यहाँ पे डेप्थ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पिछले ईयर में यहाँ पे मार्च के महीने में कितना था, 2021 में मार्च के महीने में यहाँ पे देख सकते हैं 17,000 था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का यहाँ पर गवर्नमेंट का जो स्टेक लेने वाली बात था यहाँ पर वोडाफोन की अकॉर्डिंग, वोडाफोन के और यहाँ पर जो TTML के साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें लफड़ा देखने को मिल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो डेप्थ आपको यहाँ पे बढ़ाता हुआ नज़र आया है सितंबर के महीने में। और यहाँ पे मार्च के महीने में बात किया जाए तो काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे 2011 की बात किया जाए तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा, 4,600 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है 2011 में। लेकिन कंपनी जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे हमें डेप्थ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप डेप्थ फ्री कंपनी को देखना चाहते हैं, तो फिर आप अदर कंपनी के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेप्थ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो शेयर है जैसे कामकाज कर रहा है, धीरे धीरे डेप्थ हमें क्लियर करता हुआ नज़र आएगा। देखते हैं आने वाली ईयर में हमें कैसा क्या डेप्थ के ऊपर अपडेट देखने को मिलता है। तो
तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन पहले तो हम इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर जो रिजल्ट है, क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, उसके बाद जो है कि एनुअल रिजल्ट के ऊपर जाने वाले हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप देखेंगे रेवेन्यू आपको 2% यहाँ पे हमें क्रिएट जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नीट इनकम काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसेस थोड़ा सा बढ़ गया है, इसीलिए आपको यहाँ पे जो कि रेवेन्यू 2% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सितंबर की बात किया जाए क्वार्टर में तो यहाँ पे आपको डबल का यहाँ पर रेवेन्यू हो रहा था जो कि 4% के अराउंड, और यहाँ पे जून के महीने में भी आपको 10% के अराउंड, और यहाँ पे बात करें मार्च के महीने में भी आपको जो है कि करीब करीब 2.5% के अराउंड आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे माइनस पॉइंट ये आ जाता है, प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आपको अच्छा खासा एक रेवेन्यू तो जनरेट करके दे ही रहा है, लेकिन एनुअल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो दिस ईयर क्या हुआ, 2021 का मैं बात कर रहा हूँ, 2021 में क्या हुआ, -3% का हमें लोअर सर्किट मतलब -3% का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू हमें माइनस में क्रिएट करता हुआ जनरेट करता हुआ नजर आया है। 2020 की बात किया जाए तो यहाँ पे कोरोना को लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पे ये था, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो रेवेन्यू काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 19 की बात किया जाए तो वो भी हमें जो है कि रेवेन्यू 20 में क्रिएट होने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो है कि जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 19 में भी आपको हमें रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नज़र नहीं आया, कितना 31.65% का हमें लॉसेस झेलना पड़ा है, और 2018 में भी आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। देखते हैं 2022 में अभी क्या होता है, लेकिन एनुअल बेसिस पे अगर हम बात करें यहाँ पे हमें एक माइनस पॉइंट ही देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, आप सभी को यहाँ पे सिर्फ आपको डिसीजन करना है कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पॉइंट जितना भी था, प्लस पॉइंट जितना भी था, आपके सामने लेकर आया हूँ। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा, अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।